आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ सदर लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने जनसंपर्क के दौरान मुबारकपुर मोहल्ला रसूलपुर में मुलाकात की, जहां पर उनका जोरदार इस्तकबाल किया गया, जहां पर काफी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर सपा के पक्ष में मतदान करने की बात कही। वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि यहां के लोगों का आशीर्वाद हमेशा से सपा के साथ रहा है और आज भी सपा के साथ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भारी मतों से मुझे जीत दिलाएंगे। उन्होंने बसपा व भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों ही एक पहलू के दो सिक्के हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो षड्यंत्र रचा वह आप लोगों के सामने है, जिसे प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। आज आलम यह है कि पूरे प्रदेश विकास से काफी दूर है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जहां बुनकरों को 75 रुपए में बिजली देने का काम किया, वहीं भाजपा सरकार ने भारी बिजली दर बढ़ाकर बुनकरों की रोजी रोटी पर विराम लगा दिया। सपा सरकार में जो आजमगढ़ का विकास हुआ वही विकास है, बाकी भाजपा सरकार में आजमगढ़ का कोई विकास नहीं हुआ। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रदेव राम यादव उर्फ करेली ने भी लोगों से वोटों की अपील करते हुए कहा कि मुबारकपुर विधानसभा से इस बार ऐतिहासिक मत सपा को मिलेगा। सबसे पहले सर, आप आज यहां पर उपस्थित हुए हैं, हाजू पल्लू जी के हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सर? स्वाभाविक तौर पे चुनाव चल रहा है और लोगों से आशीर्वाद और दुआएं मांगने के लिए पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। मुझे आज मौका मिला है यहाँ पर और मैं लेट हो गया, लेकिन बावजूद इसके इतनी बड़ी तादाद में लोग उपस्थित हैं, मैं सबका शुक्रिया करता हूँ। सर, बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर विधायक रह चुके हैं शाह आलम गुरु जमाली, और इस समय वर्तमान में वो इस समय से आजमगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं और उनका कहना है कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? हर आदमी लगता है उसमें, मैं क्या कह सकता हूँ जी। उन्होंने कहा कि मैं स्थानीय हूँ और लोग बाहर के हैं। अब वो उनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, अब वो पता नहीं कब बहुजन समाज पार्टी के थे, कब बाहर के थे, कब अंदर के हो गए। ऐसे में दिनेश लाल यादव जो हैं, तमाम जगह लोग जा रहे हैं दिनेश लाल यादव, और बार बार कह रहे हैं कि नहीं मैं आजमगढ़ से जीत रहा हूँ, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ अगर कोई कह रहा है तो? और सर, ये जो नूपुर शर्मा जी ने भी बयान दिया है, कुछ दिन पहले नूपुर शर्मा ने बयान दिया है, जो उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? बाद में पूरी होगी, तो कह रहे हैं कहने दीजिए, उसकी बात नहीं है। लेकिन आजमगढ़ का इतिहास ये रहा है कि आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा समाजवादियों को ताकत दी है, मौका दिया है, अवसर दिया है, और रिश्ते जज्बाती हैं, और समाजवादी पार्टी की कार्यशैली से, हमारी लीडरशिप से आजमगढ़ के लोग इतने प्रभावित और संतुष्ट हैं। आजमगढ़ के लोगों का कहना है कि अभी कुछ दिन पहले आजमगढ़ डूब रहा था, लेकिन अखिलेश यादव नहीं आए। आजमगढ़ के लोगों ने नहीं कहा, और जो लोग कह रहे हैं उनसे पूछिए जी। ऑलरेडी अखिलेश यादव जी ने ही इस आजमगढ़ की बहुत सारी समस्याओं का निराकरण किया है। कितने बांध बनवाए सर? मुझको मालूम है 1 करोड़ रुपया आया था, और अखिलेश यादव जी के दिए हुए पैसे का उपयोग नहीं किया सरकार ने, जो उन्होंने अपनी सांसद से दिया था। ऐसे में आप आजमगढ़ सर में घूम रहे हैं, किस तरह का आपको रुझान मिल रहा है? सबसे बड़ी बात है सर कि आजमगढ़ में घूमने के बाद जी सर कोई परिवर्तन ही नहीं दिख रहा है, ऐसा ही लग रहा है जैसे अमिटावा मैनपुरी में थे, बहराई में थे, वैसे ही आजमगढ़ में। ऐसे में आजमगढ़ बसपा, आजमगढ़ में ऐसे ही बसपा प्रत्याशी कहते हैं कि हम स्थानीय हैं, हम आपके जन समस्याओं से बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ये लोग बाहर के लोग मैनपुरी इटावा चल जाएंगे। इसके बारे में कुछ नहीं मुझे कहना है जी। वो 2 बार विधायक रहे, उनको कितनी समस्याओं का समाधान किए होंगे, हमसे भी ज़्यादा यहाँ के स्थानीय लोग जानते होंगे जी। ठीक ठीक, अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ, छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।